हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 20 तारीख और आज मुझे मिलेगा कॉलेज से एडमिट कार्ड। ऐसे वेबसाइट पे मिल रहा है एडमिट कार्ड, लेकिन उसमें सेंटर का नहीं पता चल रहा है, तो वो कॉलेज से ही जाके पता करना होगा, कॉलेज में ही मिलेगा। तो आज कॉलेज जाएंगे, देखते हैं और वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। हे गाइस, तो रेडी हो गए हैं और चलते हैं हम कॉलेज। और आज कॉलेज अकेले ही जाना होगा, क्योंकि वो जो जाता है साथ में वो किसी और के साथ चला गया है, तो अकेले ही चलते हैं और मजा आएगा। इधर से शॉर्टकट पड़ता है कॉलेज का, तो इधर से ही हम लोग जाते हैं। और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा कीचड़ है, जो कि बच के जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पूरा पानी पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे काम चल रहा है ना, इसीलिए। तो इधर बचते बचाते चलना है। और देखिए इधर से जाने का बस ये कोना है, जो कि पैदल वाला जा सकता है। चलते हैं और दिखाते हैं आगे। इधर पूरा का पूरा देख रहे हैं, पानी ही भरा हुआ है, क्योंकि साइकिल रहता है या गाड़ी तो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन पैदल वाला के लिए साइड साइड से जाना होता है। देख सकते हैं इधर पूरा पानी पानी है। और ये सामने यहाँ से अपना कॉलेज है, जो बाइक लगा उसके पीछे। तो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट जाते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए ये ग्राउंड जो है सामने, ये अपना कॉलेज है। और इधर से शॉर्ट पड़ता है, इसलिए इधर से आते हैं, क्योंकि ये पीछे है कॉलेज का। और यहाँ से देखिए ये दीवार को फान के जाते हैं हम लोग, इस पे रखते हैं पैर को ऐसे, और इस पे रखते हैं, और फिर इस साइड। तो देखिए कॉलेज के अंदर आ गए हैं, और ये कॉलेज के अंदर छोटा सा तालाब है, जहाँ पे धोबी भी आके कपड़ा वपड़ा धोता है, वहाँ पे देख रहे होंगे। और ये कॉलेज में शायद वो चला है, क्या कहते हैं उसको, ट्रैक्टर, क्योंकि मिट्टी। चलिए आगे दिखाते हैं। ये मिट्टी देख सकते हैं, ये सब मिट्टी कबरा हुआ है, तो लग रहा है शायद कि मिट्टी यहाँ पे कबरा है। चलिए आगे देखिए। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो करने देते और हम चलते अपना काम करने। देखिए बोले हैं ना, देखिए यहाँ से ट्रैक्टर चल के ये मिट्टी सब, जहाँ क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है ना, तो उसके लिए यहाँ प्लेन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे प्लेन किया गया है, मतलब प्लेन अभी है नहीं, चलते चलते इसको प्लेन किया जाएगा। यहाँ से पूरा उधर है, तो आज वहाँ पर मेरा एडमिट कार्ड है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो लाइन में लगना पड़ेगा तभी मिलेगा। और चलिए आगे दिखाते हैं। तो गाइज मिल गया है एडमिट कार्ड मेरा और इसका, मतलब लगभग साइंस वाले का सभी का मिल गया है, और आर्ट्स वाला का बचा हुआ है। और देखिए जो बोल रहे थे, ये देखिए ये कोराया है, मतलब कि यहाँ कंपटीशन होने वाला है, इसीलिए इसको मैं सुबह सुबह आता था तो देखता था ये ऊबर खाबर रहता है, तो इसको प्लेन करने के लिए किया गया है। और कल से शायद हम लोग का कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा, कॉलेज नोटिस आया है, तो देखते हैं कल आके कि क्या होगा। और अभी थोड़ा इसको इधर घूमना है, उधर क्या क्या है, क्योंकि कभी कॉलेज में घूमा नहीं है, और इसको ये भी नहीं मालूम है कि इधर से मेरा शॉर्टकट रास्ता भी है। तो इसको दिखाते हैं थोड़ा, और उसके बाद जाएंगे घर। इसका भी कंपटीशन में ऐड करवाना है, उसके बाद चलेंगे घर। तो आज ये देखिए ये तालाब है, जो कि कभी हम दिखाए नहीं, हमेशा आते हैं उधर से तो इधर चल आते हैं। ये देखिए छोटा तालाब है, और इसको भी देखना था तो ये देख लिया। कैसा लग रहा है इसको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज है इसमें कि हाँ, ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, रियल में ही ग्रीन ही है, लेकिन बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि सामने जो घर है सबका नाला का पानी, बाथरूम का पानी सब इसी में आता है, तो ये पानी अच्छा नहीं है। बहुत लोग होता है कि बच्चा लोग नहाता है, तो उसके लिए सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए हम से रिकमेंड नहीं करेंगे कि आगे इसमें नहाइए। लेकिन हाँ, देखना है तो जिसको इस कॉलेज में होगा वो देख सकता है। चलते हैं और आगे, और आगे इसको दिखाते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी सर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसको फॉर्म भरना है प्रतियोगिता का, तब तक आपको कॉलेज घूम के दिखाते हैं।
ऐसे तो भीड़ में नहीं दिख बनाते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए सीढ़ी है, यहाँ से हम लोग चढ़ते हैं, वहाँ से मेन गेट है और इधर से भी आने का है। और देखिए यहाँ पे एक सामने में थोड़ा साइड ये बुद्ध जी का, बुद्ध भगवान का एक फोटो है, पेंटिंग है, नहीं पेंटिंग नहीं, ये पोस्टर है लगा हुआ। तो इधर से आते, तुम उधर से आओ, इधर से। तो यहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं और देखिए उधर रूम है, इधर भी रूम है। ये देखिए ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है, और इधर बाथरूम है, भी बाथरूम है, डिपार्टमेंट और जूलॉजी है वहाँ पे। और ये भी कोई रूम है, लिखा हुआ नहीं है, ये जूलॉजी का लैब है, ठीक है। और ये हॉल नंबर 5 है, इसी में एग्जाम एग्जाम पड़ता है, तो यहाँ बाहर भी बैठता है। 11th का एग्जाम जब दिए थे तो बहुत बच्चे, हाँ। और ये देखिए हॉल नंबर 4 है, मतलब 4-5 एक ही में। और ये NSS है, मतलब कि नेशनल सर्विस स्कीम का है। तो ये यहाँ पे रूम, और ये जूलॉजी का लैब रूम नंबर 2 है। और बहुत अंदर चला, खोलो, तो अंदर ही चलते, खोलो। ये देखिए रूम है, ये हॉल नंबर 4 और 5 दोनों एक ही में है। और ये बोर्ड है, मतलब कि अभी यहाँ खाली है, जब बच्चा भरता है तो यहाँ पे, ये देखिए इसमें एक ही बच्चा बैठने का सीट है। तो पिछले बार हम दिए थे तो हम वहाँ पे कोना में थे और बहुत बच्चा बाहर में था। और इधर आपको बाहर थोड़ा दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे बैडमिंटन का जब होगा ना तो इधर ही बैडमिंटन का होगा, वहाँ पे देखिए नेट लगा हुआ है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सब यहीं पे होगा। और इधर ही शायद हॉल उनमें कोई चेस होगा, लूडो होगा, जो भी सब है। तो और चलते हैं उधर रूम का दिखाते हैं, और उधर में रूम है तो उधर जाके दिखाते हैं, हॉल है उधर में। देखिए वो सर सब है तो पता नहीं कुछ बोलेंगे, पहले जाते हैं उधर तो देखते हैं। ये देखिए हॉल नंबर 6, ये वॉशरूम, वॉशरूम में भी घुस के दिखाएं क्या। ये देखिए हॉल नंबर 6 है, दूसरा दरवाजा है, ये बोटानी लैब 1। ये भी देखिए हॉल नंबर 7, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है, ये यहाँ से इसका दरवाजा है, 2 दरवाजा है ना इसीलिए। और ये सब पता नहीं, ये रूम बंद रहता है, स्टोर रूम नहीं है वहाँ, बोटानी का लैब नंबर 2 है, तो ये सब बंद है। ये देखिए कैरियर काउंसलिंग सेल है, पता नहीं कभी खुलता नहीं है क्योंकि धूल इतना लगा हुआ है, इसी को देख के लग जाता है कि बंद रहता है। और ये देखिए हॉल है, इसमें ये है इसका, यहाँ देखिए कैमरा लगा हुआ है, उधर भी है, उधर भी है, लाइट उट भी है। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम उग्जाम चलता है। और देखिए बहुत लोग गेस्ट पेपर, किसी का हिंदी का छुट्टा हुआ है, यूनिवर्सिटी का है, आर्ट्स पता, BA का है शायद। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल सब है यहाँ पे, और हॉल नीचे है, तो नीचे में सर है, तो सर के सामने तो बनाने में नहीं बनेगा, तो चलते हैं और नीचे जहाँ तक होगा दिखाएंगे, और सर आएंगे तो इसका फॉर्म भरेंगे और चलेंगे घर, क्योंकि भूख क्या लगा, खा पी लिए हम लोग, क्या खा के मजा आया जी। और देखिए यहाँ से ये ग्राउंड है, मतलब तो ये छत पर से ग्राउंड दिख रहा है। ये देखिए वहाँ पोखरी पे गए हुए थे वो तालाब, और यहाँ पे ये लोग अपना कपड़ा ऊपर सुखा रहे हैं, जो धोबी सब होता है वो यहाँ पे आके सुखाते, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, तो यहाँ पे सब सुखा रहे हैं। और चलते हैं नीचे अब, और नीचे का सीन दिखाते हैं, कंटिन्यू बने रहिए, बाय बाय। ये इधर वॉशरूम, इधर रूम, क्लास चल रहा है।